मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज अनुज अग्रवाल। गाइस, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई शुड डू लॉ फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटीज। गाइस, जो हमें नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहिए, तो आप सामने देख रहे हैं बेस्ट कैरियर इन इंडिया, है ना। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करते हैं तो आपका बेस्ट करियर होगा इन इंडिया। क्यों होगा ये अभी बात करते हैं, है ना। चलिए, मतलब वीडियो के आगे हिस्से में हम सब यही डिस्कस करने वाले हैं। आइए, एनएलयू रिक्रूटर्स एंड जॉब प्रोफाइल्स। टाइप ऑफ रिक्रूटर्स विजिटिंग एट एनएलयू फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स, ये आप देख रहे हैं। लॉ फर्म्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इन हाउस काउंसिल्स, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन लॉ फर्म्स एंड कंपनीज, लीगल एसोसिएट्स, लॉ कंसल्टेंट्स, फंक्शनल कंसल्टेंट्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, ट्रायल लॉयर्स, ये सारे विजिटर्स हैं जो एनएलयू को विजिट करते हैं। क्या क्या यहां से आपको जॉब प्रोफाइल होते हैं, आपके जॉब प्रोफाइल, लीगल एडवाइजर्स इन कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट एडवाइजर्स, बिजनेस एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर, लीगल रिपोर्टर एडवाइजर, ठीक है। और सब कुछ और क्या करियर ऑप्शंस यहां से आते हैं, देखिए। फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनएलयू आल्सो ऑफ फॉर अल्टरनेट करियर पाथ्स सच एज सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, टीचिंग, लिटिगेशन लॉयर्स, लेजिस्लेटिव पॉलिसी मेकर्स, स्टार्ट देयर ऑन कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, जुडिशियल क्लर्क्स, एक्सेट्रा गाइस, बहुत कुछ, ठीक है। देखते जाइए धीरे धीरे क्यों हमें लॉ करना चाहिए एनएलयू से और ये कैसे एक बेस्ट करियर है। एनएलयू प्लेसमेंट टॉप लॉ फर्म्स, कौन कौन से लॉ फर्म्स ने विजिट किया है एनएलयू, ये टॉप लॉ फर्म्स मैंने आपको यहां लिस्ट बना कर दे दिया है। ए जेड बी पार्टनर्स, आर्ग्यूज पार्टनर्स, फ्रिल आमचंद, खेतान एंड कॉर्पोरेशन, एल एंड एन एल पार्टनर्स, एस एंड आर एसोसिएट्स, शरदुल आमचंद, तलवार ठाकोरे, ट्रीलीगल ट्राइलीगल, आईसीआईसी बैंक, ओके, हेत दुआ, इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिसेस, बाकी सारा लिस्ट आप देख रहे हैं। तो ये लॉ फर्म्स हैं जिन्होंने यहां विजिट किया है। लिस्ट ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, ओवाईओ, एसर ऑयल एंड गैस, विप्रो, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, टाटा क्रोमा, आईसीआईसी बैंक, सीएल एजुकेटेड, स्टार इंडिया, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाटा सन्स एंड लिमिटेड, गवर्नमेंट सेक्टर्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट लिस्ट, कौन कौन आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विजिट करते हैं, है ना, कौन से आपके कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ विजिट किया है, ठीक है। और आगे आइए, आगे और कुछ है, ये क्या, सैलरी पैकेजेस, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी 15 लाख का पैकेज, 44 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, ये मैंने आपको प्लेसमेंट बोला गाइस, जो अदर ऑप्शंस चूज करते हैं वो हमने ऊपर बात किया था, है ना। तो ये 44 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहां से हुआ है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली 15 लाख 41 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडी रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद 12 लाख एवरेज पैकेज, 47 स्टूडेंट्स, द बेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिकल साइंस एंड कोलकाता 15 लाख एवरेज पैकेज, 40 स्टूडेंट्स, समझ रहे ना गाइस, पूरा लिस्ट आपके सामने ये भी आप देख रहे हैं। तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पर मंथ कितना सैलरी यहां से मिलने वाला है, 1 लाख से 1.5 लाख तक आपको यहां पर मंथ सैलरी मिलता है गाइस,
ठीक है। अब कंपेयर करते हैं थोड़ा सा, अगर आप मान लीजिए बहुत बेस्ट कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग का डिग्री करते हैं, कितना पैकेज स्टार्ट आपका हो जाएगा पर ईयर? तो 5 to 6 lakh यहां से स्टार्टिंग होती है गाइस, मतलब 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ। अगर आप मेडिकल में जाते हैं और वहां प्लेसमेंट आपका होता है, प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं गाइस, अपना आप प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी बहुत एक्सपीरियंस के बाद, जब काफी एक्सपीरियंस होता है, फ्रेशर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, केवल फ्रेशर्स की, और एक्सपीरियंस आपको जब यहां हो जाएगा आफ्टर क्लैट, आफ्टर लॉ फ्रॉम एनएलयूज, वहां भी आप पैकेज का अंदाजा लगा नहीं पाएंगे गाइस, बहुत ज्यादा पैकेज आपका, मतलब सैलरी पैकेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेडिकल की हम बात कर रहे थे, तो कितना पैकेज स्टार्ट होता है? वही 60 to 70 पर मंथ, है ना। तो दिस इज द रीजन व्हाई शुड डू लॉ फ्रॉम एनएलयूज, ये हमने डिस्कस किया गाइस। हम अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, अनअकैडमी क्लैट का प्रिपरेशन देश के कोने कोने में करा रहा है, क्योंकि अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहां से क्या बेनिफिट है, क्यों आपको क्लैट का प्रिपरेशन अनअकैडमी से करना चाहिए, तो ये डिस्कस हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले किसी वीडियो में। तो अभी के लिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि आपको क्यों एनएलयू से लॉ करना चाहिए, और एनएलयू से लॉ करने के बाद कैसे आपका बेस्ट करियर हो सकता है इन इंडिया। ओके, टेक केयर।